नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और करेंगे इस बीच आ रही एक बड़ी खबर की और बड़ी जानकारी आ रही है वो आपको बता दें। तो बड़ी और अहम जानकारी वाराणसी से। वाराणसी के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अटल आवासीय परिसर का निरीक्षण करेंगे, ये बड़ी खबर। बच्चों से भी संवाद करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो पीएम के कार्यक्रम स्थल का भी जायजा लेंगे, ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पीएम विजिट की तैयारियों की समीक्षा मुख्यमंत्री द्वारा की जाएगी। काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन भी करेंगे, काल भैरव मंदिर में भी करेंगे दर्शन पूजन। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। वाराणसी के दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, ये बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। तो वाराणसी के दौरे पर सीएम, बच्चों से भी संवाद करेंगे मुख्यमंत्री, साथ ही जानकारी आपको यहां पर दे रहे हैं। पीएम के कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण करेंगे मुख्यमंत्री, पीएम विजिट की तैयारियों की समीक्षा यहां पर मुख्यमंत्री द्वारा की जाएगी। वाराणसी द्वारा अटल आवासीय परिसर का निरीक्षण मुख्यमंत्री द्वारा यहां पर किया जाएगा। बच्चों से भी संवाद मुख्यमंत्री का रहेगा। पीएम के कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण जो है वो यहां पर किया जाएगा। पीएम विजिट की तैयारियों की समीक्षा मुख्यमंत्री द्वारा यहां पर की जाएगी। काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। काल भैरव मंदिर में भी दर्शन पूजन मुख्यमंत्री करेंगे। तो बड़ी खबर आपको बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का वाराणसी दौरा कई मायनों में अहम माना जा रहा है। पीएम के कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण मुख्यमंत्री करेंगे, साथ ही पीएम विजिट की तैयारियों की भी समीक्षा मुख्यमंत्री द्वारा की जाएगी। बता दें आपको, अटल आवासीय परिसर का निरीक्षण मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। उधर भारत सरकार की ओर से चलाई जा रही नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत मुजफ्फरनगर कारागार में निरक्षर कैदियों को दरअसल शिक्षित करने के लिए अभियान की शुरुआत की गई है। इसके तहत जेल में कैदियों में से ही वॉलंटियर्स का चयन होगा जो कि निरक्षर कैदियों को शिक्षित करने का काम करेंगे। इसके लिए शिक्षा विभाग की ओर से जिला कारागार में निरक्षर कैदियों को पठन पाठन सामग्री भी उपलब्ध करवाई गई है। देखिए, हमारे विभाग में नव भारत साक्षरता कार्यक्रम चल रहा है जिसमें निरक्षरों को पढ़ाने का टास्क दिया गया है। इसमें हम लोग वॉलेंटियर चयनित करते हैं और उनके माध्यम से निरक्षरों को पढ़ाया जाएगा। तो पहली बार में हम लोगों ने 21,000 यहाँ पे निरक्षर चयनित किए थे, जिनमें से 2100 की हम लोग परीक्षा भी करा रहे हैं। और इसी क्रम में जिला कारागार में भी निरक्षरों को चिन्हित किया गया है, जहाँ 600 कैदियों में से 50 हमें वॉलेंटियर भी मिल गए हैं और इन वॉलंटियर को हम प्रशिक्षित करेंगे और उसके बाद वो वहां पे निरीक्षर कैदियों को पढ़ाएंगे। रुक करेंगे इस बीच आ रही एक बड़ी खबर की ओर। मैनपुरी से आ रही है बड़ी खबर, बड़ी जानकारी मैनपुरी से आपको बता दें, जहां पर मैनपुरी में सपा के पूर्व एमएलए पर एफआईआर दर्ज, ये इस वक्त की बड़ी खबर। पीड़ित ने वेतन नहीं देने का आरोप लगाया है, ये बड़ी और अहम जानकारी आपको यहां पर बता रहे हैं। रैक ने दी जान से मारने की धमकी। तो 5 साल से यहां नौकरी कर रहा था पीड़ित। तो पूर्व एमएलए ने बताया सत्ता पक्ष की साजिश, ये बड़ी खबर। मैनपुरी में सपा के पूर्व एमएलए पर एफआईआर दर्ज की गई है। दरअसल पीड़ित ने वेतन नहीं देने का आरोप लगाया है और सपा के पूर्व विधायक पर, ये पीड़ित का बड़ा आरोप जिस पर मामला दर्ज हुआ है। विधायक ने जान से मारने की धमकी दी है, पीड़ित का कहना है। तो 5 साल से यहां पर नौकरी कर रहा था पीड़ित और उसे वेतन नहीं दिया गया, ऐसा पीड़ित का कहना है। पूर्व एमएलए ने इसे सत्ता पक्ष की साजिश करार दिया है। मैनपुरी में सपा के पूर्व एमएलए पर एफआईआर दर्ज की गई है। पीड़ित ने वेतन नहीं देने का आरोप लगाया है सपा के पूर्व विधायक पर, पीड़ित का ये आरोप। विधायक ने जान से मारने की धमकी दी है, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 5 साल से यहां नौकरी कर रहा था पीड़ित और इसका कहना है कि इसे जो वेतन है वो नहीं दिया गया, साथ ही जान से मारने की धमकी जो है सपा के पूर्व विधायक द्वारा दी जा रही है। आगे बढ़ेंगे एक और बड़ी खबर की ओर, करेंगे बड़ी जानकारी आ रही है बस्ती से, जहां पर परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह का बड़ा बयान। सनातन विवाद पर बोले दयाशंकर सिंह, जिसे रावण कंस नहीं खत्म कर पाया, इंडिया गठबंधन के लोग क्या कर पाएंगे, ये बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जो लोग जनेऊ पहनकर दिखाने जाते थे वो अब सनातन की बात कैसे कर रहे हैं, ये बड़ा बयान यहां पर दिया है।
बस्ती से इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह का ये बड़ा बयान, सनातन विवाद को लेकर परिवहन मंत्री का ये बयान आया है कि जिसे रावण कंस नहीं खत्म कर पाए वो इंडिया गठबंधन के लोग क्या इसे खत्म कर पाएंगे। जो लोग जनेऊ पहनकर दिखाने जाते थे, अब वही लोग जो हैं इस तरीके की बात कर रहे हैं। तो बस्ती से बड़ी खबर, परिवहन मंत्री जयशंकर का यह बड़ा बयान। आगे जमीन मिल जाएगी तो कोई ये नहीं है कि एक सीट बन गया तो दोबारा नहीं बनेगा वो। नहीं, यदि नहीं हाईवे पर मिल जाएगा तो उधर बना देंगे, सिटी बस को यहाँ कर देंगे, बाकी बसें वहाँ कर देंगे, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन एक तो बने कम से कम, जो पुराना बन जाए नया भी बनाएगा। बस्ती के बस अड्डे को हम लोग हवाई अड्डा की तरह बनाएंगे। यहाँ पर हम लोग ऑटोमेटिक जो ड्राइविंग इंस्टीट्यूट मैंने बन के तैयार हो गया है, उसका कार्य प्रारंभ होना है। उसमें जो सिमुलेटर और गाड़ियां जो है लानी है वो सब आ जाएंगी, उसके बाद उसका उद्घाटन होना है। तो सनातन विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है और इसे लेकर लगातार वार पलटवार का दौर जारी है। सनातन पर सांसद के विवादित बयान के बाद से ही अब राजनीति गरमाई हुई है। वहीं अब पूर्व सांसद और क्षेत्रीय अब महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि सनातन को खत्म करने की ताकत पूरी दुनिया में किसी को भी नहीं है। उन्होंने कहा है कि केवल वोट बैंक बनाने के लिए ऐसी बयानबाजियां की जा रही है। उधर विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने दरअसल विधान भवन स्थित अपने कार्यालय कक्ष में उपचुनाव में निर्वाचित विधायक सुधाकर सिंह को सदस्यता की शपथ दिलाई। बता दें कि इस मौके पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव व शिवपाल यादव के साथ प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल और वरिष्ठ नेता राजेंद्र चौधरी भी मौजूद रहे। उधर हाल ही में आजम खान के घर पर हुई आईटी की रेड को लेकर दरअसल सपा नेताओं में अफरा तफरी मची हुई है। वहीं आईटी की रेड के बाद मौलाना का दर्द सपा पर ही फूट पड़ा। उनका कहना यह है कि आजम खान ने अपनी मुश्किलें खुद पैदा की हैं। साथ ही पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर भी उन्होंने निशाना साधते हुए कहा कि वो भी चुप्पी साधे हुए हैं और आजम खान पर पड़े इस संकट को खामोशी से देख रहे हैं। सुनिए आगे क्या कुछ कहा। आजम खान साहब बड़ी मुश्किलों के दौर से गुजर रहे हैं और ये मुश्किलें ऐसा नहीं है कि किसी ने पैदा की हैं, बल्कि ये खुद मुश्किलें उनके जरिए पैदा की गई हैं और उनकी पार्टी के मुखिया समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव जी बिल्कुल खामोशी इख्तियार किए हुए हैं और उनकी मुश्किलों पर बिल्कुल वो कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं हैं। आपको याद होगा कि जब ये 2.5 साल के बाद में जेल से रिहा होकर के रामपुर पहुंचे तो मैंने इनको मशवरा दिया था कि खुदा की बारगाह में तौबा करें, मस्जिद में जाकर के 5 वक्त की नमाज पढ़ें और राजनीति से बिल्कुल दूर हो जाएं। अगर वाकई इनको राजनीति करना ही है और ये नहीं छोड़ना चाहते तो फिर इनको चाहिए कि जितने भी मुसलमान नुमाया चेहरे समाजवादी पार्टी के हैं जो अखिलेश यादव की इताब के शिकार हुए हैं तो वो सब लोग मिलकर के आजम खान की क्यादत में एक नई पार्टी का गठन करें और उस पार्टी के बैनर तले ये राजनीति करें। उधर उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से तबादला एक्सप्रेस चल पड़ी है। आपको बता दें कि रायबरेली में डीएम के पद पर तैनात अमाला श्रीवास्तव का प्रमोशन हो गया है। जानकारी के अनुसार अब उन्हें डायरेक्टर के रूप में प्रेजेंट किया गया है। वहीं मौके पर 2023 बैच की हर्षिता माथुर को रायबरेली का डीएम बनाया गया है। इस मौके पर दोनों ही अधिकारियों को लोगों ने बधाइयां और शुभकामनाएं दी। उधर संतकबीर नगर में दरअसल पुलिस कप्तान सत्यजीत गुप्ता ने तबादला एक्सप्रेस चलाई। आपको बता दें कि 48 पुलिस कर्मियों के कार्य क्षेत्र में एसपी ने बदलाव किए हैं और तबादले में उप निरीक्षक का हेड कांस्टेबल और साथ ही कांस्टेबल और निरीक्षकों को स्थानांतरित किया गया है। साथ ही सभी नए अधिकारियों को तत्कालीन तैनात होने के निर्देश भी दिए गए हैं।
तो आज तीज के पावन पर्व पर प्रदेश भर के शिवालय बम बम भोले से गूंज रहे हैं और साथ ही इसी कड़ी में बहराइच जिले के प्रसिद्ध शुद्धनाथ मंदिर में भी आपको बता दें कि पर्व धूमधाम से यहां पर मनाया जा रहा है। वहीं प्रयागराज में हरतालिका तीज के अवसर पर महिलाओं ने गंगा स्नान किया और श्रावस्ती जिले के पांडव कालीन मंदिर में विभूतिनाथ पर भी भक्तों का तांता लगा रहा। मैं संगम आई हूँ नहाने। तीज का बहुत बड़ा व्रत होता है, नहीं जल नहीं पिया है, निर्जला रहता है। ये पार्वती माता जी वह रही हैं उपासे बिना जल पानी के, तो वह सब मने रहेला शंकर जी पति के लंबी आराध्या रहती है। मैं यहाँ पे गंगा जी स्नान करने आई हूँ। तीज के उपलक्ष्य में गंगा जी का बहुत बड़ा महत्व होता है और साथ में हमने आके गंगा स्नान किया, पूजा पाठ किया और इस तीज के व्रत में पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखा जाता है। ये पार्वती और शंकर जी की पूजा की जाती है और जिससे पति की दीर्घायु होती है। इसमें 16 श्रृंगार किए जाते हैं, औरतें पूरा 16 श्रृंगार करती हैं, चूड़ी बिंदी सिंदूर महावर सब कुछ लगाती हैं और माता पार्वती को समर्पित करती हैं। जब यहाँ प्रयागराज संगम तट पे हैं और आज तीज का व्रत है, हम यहाँ गंगा स्नान के लिए आए हैं और आज व्रत भोलेनाथ का हम हैं, अपने पति की लंबी आयु के लिए पूजा पाठ, भगवान भोलेनाथ की कृपा हम पे बनी रहे। इसलिए रहते हैं कि हमारे पति की आयु लंबी हो, घर हमारा स्वस्थ रहे, परिवार हमारा स्वस्थ रहे और भारत देश भी हमारा स्वस्थ अमर रहे। और करेंगे इस बीच आ रही एक बड़ी खबर की और बड़ी जानकारी आ रही है वो आपको बता दें। तो बड़ी खबर बड़ी जानकारी इस बीच आ रही है, जनता टीवी की खबर का हुआ है बड़ा असर। बदायूं से इस वक्त की बड़ी खबर, पीड़ित परिजनों ने खत्म की भूख हड़ताल। जी हां, पीड़ित परिजनों ने अपनी हड़ताल खत्म कर दी है, सिटी मजिस्ट्रेट ने खत्म करवाया हड़ताल। ये 14 दिनों से भूख हड़ताल पर ये परिवार जो है वो बैठा हुआ था। पूरे प्रकरण की जांच क्राइम ब्रांच जो है वो करेगा, ये इस वक्त की बड़ी खबर। जनता टीवी ने इस खबर को बड़ी ही प्रमुखता के साथ दिखाया था। तो पीड़ित परिजनों ने खत्म की भूख हड़ताल, सिटी मजिस्ट्रेट ने यह हड़ताल खत्म कराई है। 14 दिनों से भूख हड़ताल पर यह परिवार बैठा हुआ था। पूरे प्रकरण की जांच करेगा क्राइम ब्रांच। बड़ी ही प्रमुखता के साथ दिखाया था, पूरे प्रकरण की जांच क्राइम ब्रांच करेगी, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। बड़ी जानकारी इस बीच आ रही है। अभिषेक मिश्रा संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अभिषेक, जनता टीवी द्वारा दिखाई गई इस खबर का असर हुआ है, आखिरकार पीड़ित परिवार ने जो हड़ताल थी वो खत्म कर दी है, आश्वासन उन्हें क्या कुछ मिला है? जी बिल्कुल, आपको बता दें ये मामला जो था वो इस्लामनगर थाना क्षेत्र का था, जहाँ पर रिटायर्ड एसआई का परिवार जो था वो भूख हड़ताल पर 14 दिनों से बैठा हुआ था। इसके लिए पुलिस जो है लगातार पुलिस पे दबाव बनाया जा रहा था कि मतलब कि दूसरा पक्ष जो था उसने घर में घुसकर मारपीट करने का मुकदमा दर्ज कराया था। जो खबर जो थी वो बिल्कुल गलत थी, उसको लेकर पीड़ित परिवार जो था लगातार 14 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठा हुआ था। उसको देखते हुए बदायूं एसएसपी ने पूरे मामले का संज्ञान लिया और पीड़ित परिवार को आश्वासन दिया और पूरे मामले की जांच जो है वो क्राइम ब्रांच को सौंपी गई है। पूरे मामले की जांच जो है क्राइम ब्रांच करेगी इसमें, और आगे की जो भी कार्रवाई होगी वो पुलिस जांच पड़ताल कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। जी बिल्कुल, हालांकि अभी इस मामले में क्या अभी दोषियों को सख्त से सख्त सजा की भी मांग यहाँ पर की गई है, उस पर क्या कुछ कहा गया है? जी बिल्कुल, आपको बता दें इस खबर को जनता टीवी ने प्रमुखता से दिखाया था, उसके बाद लगातार जो है प्रशासन इस मामले की जांच पड़ताल में जुटा हुआ था और जांच पड़ताल करने के बाद ही पूरे मामले की जांच जो है क्राइम ब्रांच को सौंपी गई है। फिलहाल जो है जो आरोप लगे हुए हैं उन आरोपों के लिए क्या अब आगे के लिए पुलिस जाँच करती है इससे ये तो आने वाला वक्त ही तय करेगा, लेकिन फिलहाल जो है सीओ सिटी ने और सिटी मजिस्ट्रेट ने पहुंच के भूख हड़ताल को खत्म करा दिया गया है और पुलिस आगे के लिए जो है क्राइम ब्रांच के लिए मामले की जाँच सौंपी गई है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक मिश्रा इस तमाम जानकारी के लिए।
चलिए अब रुक करेंगे चार मिनट में 18 मंडलों की खबरों की ओर फटाफट अंदाज में। ललितपुर में धारदार हथियार से युवक की गई निर्मम हत्या, दबंगों ने बेखौफ अंदाज में हत्या की घटना को दिया अंजाम, पुलिस ने जांच की शुरू। मीनपुरी के कनीपुर गांव में दबंगों का कहर, मामूली विवाद में महिलाओं को जमकर पीटा, वीडियो वायरल। बदायूं में पंचायत सहायक संघ ने डीएम को मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन, मानदेय न मिलने पर जताई नाराजगी, समस्याओं के निवारण करने की रखी मांग। लखनऊ के सिसेंटी गांव में लगाया गया स्वास्थ्य कैंप, बुखार के प्रकोप को कम करने के लिए दिए गए निर्देश, 200 से ज्यादा लोग बुखार से हैं पीड़ित। फुलकाबाद में जिला बार एसोसिएशन पर हो रहा चुनाव, 13 पदों के लिए 36 प्रत्याशी चुनाव मैदान में, 959 अधिवक्ता करेंगे मतदान। अमेठी में नाबालिका किशोरी ने नहर में लगाई छलांग, पुलिस तलाश में जुटी, शारदा साय का नहर का मामला। फुरुखाबाद में बसपा जिलाध्यक्ष की दबंगई, मंडल कोऑर्डिनेटर का जमकर बोले अपशब्द, वीडियो हुआ वायरल। मीनपुरी में दिव्यांग महिला के साथ दादा मंदिर के नोक पर जादूगर ने किया दुष्कर्म, अश्लील वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने की देर रात धमकी, पीड़िता लगा रही न्याय की गुहार। बांदा में स्कूल बस ने अधेड़ को मारी टक्कर, हादसे में हुई मौत, पुलिस मामले की जांच। लखनऊ में सिपाही का ड्रामा करते हुए वीडियो वायरल, शराब के नशे में धुत सिपाही का तांडव, ग्रामीणों से करता है गाली गलौज। बाराबंकी में भारी बारिश के बाद जर्जर कच्ची दीवार गिरने से दो बच्चों की मौत, दो लोग घायल, मलबे में दबे लोगों को ग्रामीणों और पुलिस ने निकाला बाहर। मीनपुरी में बारिश का कहर, कच्चा मकान गिरने से मासूम की मौत, ग्राम में फसरा माता। रायबरेली में संदिग्ध परिस्थितियों में महिला का शव मिलने से सनसनी, पारिवारिक कलह से परेशान चल रही थी मृतका। श्रावस्ती में कलयुगी बेटे ने पिता के ऊपर किया धारदार हथियार से हमला, घायल अवस्था में कराया गया अस्पताल में भर्ती। संभल में तेज रफ्तार रोडवेज बस ने बाइक को मारी टक्कर, एक ही परिवार के तीन लोगों की मौत, मचा कोहराम। आजमगढ़ में कुत्ते के काटने से युवक की इलाज के दौरान मौत, तो युवक ने जमकर किया था हंगामा, शख्स ने नहीं लगवाया था रेबीज का इंजेक्शन। कानपुर देहात में पुलिस ने महज 72 घंटों में हत्या का किया खुलासा, बच्चों के दरमियान न होने वाली आपसी लड़ाई के चलते महिला ने मासूम को उतारा मौत के घाट, प्यार सहित महिला गिरफ्तार। बदायूं में पुलिस ने हत्या का किया खुलासा, लूट के इरादे से चाकू से गोद कर की गई थी युवक की हत्या, दो अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए फिलहाल लेते हैं वक्त एक छोटे से ब्रेक का।